श्री अकाल, नमस्कार। साडा पंजाब एक खास कॉन्क्लेव लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो आज हम दिन भर पंजाब के अनेक रंगों पहलुओं पर गौर करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हम देख सकते हैं मेरे सहयोगी शरद शर्मा तो हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री भगवंत मान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारुफ हम थोड़ा सा कार्यक्रम का बता दें मान सर जी। ये जो पूरा कार्यक्रम है अपने आप में हम जो पंजाब के तमाम पहलू हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो पंजाब गुरु नानक देव जी के लिए जाना जाता है, पंजाब वीर योद्धाओं के लिए जाना जाता है, पंजाब हरित क्रांति के लिए जाना जाता है, पंजाब अनाज के भंडारों के लिए जाना जाता है और एक समय तो फूड बोल ऑफ इंडिया इसे कहा जाता था। ये खुशहाल प्रदेश हमारा हुआ करता था, लेकिन पिछले 15 सालों से कई चुनौतियाँ इस राज्य के सामने आ गई हैं। 3.25 लाख करोड़ का कर्ज इस राज्य पर चढ़ गया है, जो कि हमारे देश में किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा है। लेकिन उम्मीद की एक नई किरण भी इस राज्य को मिली है। आपको बताएं, मार्च में एक नई सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जो नई सोच नए विचार वाली पार्टी है, और भगवंत मान जी उसके मुख्यमंत्री हमारे साथ बने हैं। भगवंत मान जी को ज़्यादातर पंजाब के लोग तो जानते हैं, लेकिन जो देशवासियों को बता दें कि ये अभिनेता भी रहे, गायक भी रहे, राजनीति में 2011 से जुड़े और 2014 से ये आम आदमी पार्टी के साथ हैं। मान साहब बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं, आपने गुजरात में बहुत मेहनत की है और आपने आपका भी पूरा उसमें हक है, उस श्रेय में हकदार हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है तो जी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया NDTV का। साडा पंजाब जो कॉन्क्लेव आपका, आज पूरे पंजाब की समस्याओं को, चुनौतियों को, प्राप्तियों को, कल्चर को आप दिखाएंगे और अलग अलग पार्टियों के नेता अपने अपने विचार रखेंगे। तो मैं अगर पहला सवाल पूछ लूं आपसे, 9 महीने आपको हो गए हैं और आपकी ऐसी सरकार थी कि आपने 1-1.5 महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी, तो 9 महीने के बाद हाउ इज द जोश? बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सरकार चला रहे हैं हम और लोग भी खुश हैं। जो सरकारें, पहले सरकारें जो आखिरी 5-7 महीने में काम करती थी कि शायद वोटरों को ये याद रह जाएं, 4.5 साल के हमारे जो लूटपाट के निकले हैं वो भूल जाएं, आखिरी 6-7 महीने लोगों को याद रह जाएं कि हाँ सड़कें बन गई, हाँ बिजली भी ठीक आती है, हाँ बिजली का बिल भी कम हो गया। हमने आते ही पहले 6-8 महीने में हमने वो काम किए जिसमें लोगों को राहत मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि 70 साल पुराना एक ताना है जो उलझा हुआ था, उसको हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाबी हो रहे हैं। सबसे पहले आते ही हमने जो एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू की, जो दफ्तरों में अगर बाबू कोई पैसे मांगता है, सरकारी अफसर कोई पैसे मांगता है तो उसकी वीडियो बना के हमें भेजें, उसका नाम या उसका नंबर हमें भेजें। हमने अब तक 250 से ज़्यादा उस हेल्पलाइन के ज़रिए अलग अलग रैंक के अधिकारी जो रिश्वत लेने की कोशिश कर रहे थे उनको अंदर किया, उनको सस्पेंड किया। हमने एक और यूनिक चीज़ की, आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे सरकारी दफ्तरों में जो मुख्यमंत्री बन जाता है उसकी तस्वीर लगती है, हर सरकारी दफ्तर में मुख्यमंत्री की तस्वीर होती है। हमने फैसला किया कि मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगेगी, वहाँ पे शहीद आज़म भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगेगी। भगत सिंह जी ने आज़ादी हमें लेके दी, उनके हजारों साथियों ने फांसी के रस्से चूमकर हमें आज़ादी लेके दी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया कि आप इलेक्शन लड़ सकते हो, आप वोट डाल सकते हो, सबका हक है। तो हमें ये लगा कि ये डेमोक्रेसी का ये सबसे बड़ा मेल है कि भगत सिंह जी की और डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो लगी, और हमने पहली बार इतिहास में पंजाब में ओथ सेरेमनी भी भगत सिंह के गांव खटखट कला में की थी। उसके बाद हमने जो गारंटियां दी थी, गारंटियों के बिना भी बहुत से काम किए। हमने आते ही विधानसभा को लाइव कर दिया कि लाइव देखो, पहले पता नहीं चलता था, पत्रकारों को भी अपने सोर्सेज से इधर उधर से पूछना पड़ता था क्या कहा था, किस बात पे झगड़ा हुआ था, क्योंकि वो पत्रकार प्रेस गैलरी में बहुत ऊपर बैठे होते हैं, पता नहीं चलता।
तो हमने आते ही विधानसभा की कार्रवाई को लाइव कर दिया। लोगों को ये हक है कि वो देखें अपने नेता को या अपने चुने हुए प्रतिनिधि को कि वो क्या बोल रहा है, क्या वो आपके मसले उठा रहा है या नहीं हो रहा। इससे क्या हुआ, लाइव होने से हर MLA के मतलब मन में ये रहता है कि मैं भी बोलूँ, मेरी भी वीडियो आएगा, मैं अपने लोगों को जाके दिखाऊंगा, जैसे लोकसभा में लाइव होता है। तो उसके बाद हमने एक पंजाब में निधि जी एक कल्चर था, कल्चर क्या इन्होंने मतलब खुद ही किया था, कानून था कि आप एक बार MLA बन गए आपकी इतना वेतन, नहीं बने तो आपकी 75,000 रुपया पेंशन, दो बार बन गए वेतन मिलता रहेगा, दूसरी बार बन के आप नहीं बने तो उसमें 60 ऐड कर लो, और तीसरी बार MLA बन गए, 6 बार MLA बन गए, 7वीं बार आपको टिकट नहीं मिला या कोई हार गए तो आपको 6 की 6 टर्मों की अलग अलग पेंशन मिलेगी। मतलब कई MLA को तो हार के फायदा है, मतलब अगर वो जीतेंगे तो उनको वेतन मिलेगा, हारेंगे तो 4 लाख रुपए पेंशन मिलेगी, 4.5 लाख रुपए पेंशन, 7-7 बार 8-8 बार जीते हुए। हमने कहा जी जब आप हमारे पास वोट लेने आते हो लोगों के पास, तब तो कहते हो जी सेवा का मौका दीजिए, अब सेवा की पेंशन थोड़ी होती है, फिर सेवा का मेवा ले रहे थे। तो हमने ये एक्ट लाया विधानसभा में, एक विधायक एक पेंशन, एक विधायक एक पेंशन, एक ही पेंशन मिलेगी, चाहे 10 बार जीत जाओ, चाहे 8 बार जीत जाओ, 5 बार जीत जाओ, उससे कोई, मैं नहीं कहता इससे कोई खजाना, कोई उसमें मेरे खजाने में कोई बहुत सा पैसा आ जाएगा, लेकिन ये सिंबॉलिक मैसेज तो लोगों के लिए जाना चाहिए ना कि वो लोग बेरोजगार हैं और लोग जो नौजवान लड़के लड़कियां 5,000, 8,000, 10,000 रुपये तनख्वाह पे काम कर रहे हैं और इधर एक बार बन गए, चाहे एक दिन के लिए बन गए, ये भी कानून कर लिया था कि चाहे एक दिन के लिए MLA रहे, आप एक बार ओथ ले ली पेंशन के हकदार हो गए। तो ये हमें लगा कि ये ज़्यादा है, तो हमने एक विधायक एक पेंशन वाला शुरू किया। फिर हमने 300 यूनिट बिजली का गारंटी दी थी, वो 1 जुलाई से शुरू की, 87% घरों का आज बिजली का बिल जीरो आता है जी, बिजली का बिल जीरो, 87% घरों का आज बिजली का बिल जीरो आ रहा है। यही कह रहे थे विपक्ष वाले पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा हमने दिखा दिया कि कहाँ से आएगा। हमने 83% बिजली, 2 थर्मल प्लांट जो सरकारी हैं रोपड़ और मलेरा मोहब्बत, 83% बिजली ज़्यादा पैदा की। इस बार घरों में भी बिजली 24 घंटे आई, धान के लिए जो बिजली 8 घंटे होती है वो भी 15 से 20 घंटे आई, और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ये नहीं बोलना पड़ा हमें कि आप हफ्ते में 2 दिन बंद रखिए अपनी फैक्ट्री, आप हफ्ते में 3 दिन बंद रखिए। बिजली इतनी हमारे पास थी कि हमने तीनों सेक्टर बड़े बड़े स्मूथ तरीके से, हमने ये प्रोक्योरमेंट सीजन भी जो था वो निकाला। हमने नौकरियां देने का सिलसिला शुरू किया सरकारी, 20,557 लड़के लड़कियों को हम नियुक्ति पत्र देके उनको दफ्तरों में बिठा चुके हैं। तो हमारी सरकार जो है, मैं गिनाऊंगा तो गिनते ही चला जाऊंगा, तो आप सवाल पूछिए कौन से सेक्टर में क्या प्रगति हुई है, मैं बताता जाऊँगा। मान साहब, आपको जो पंजाब मिला वो लगभग 3 लाख करोड़ के कर्ज़े में डूबा हुआ था, हालांकि ये भी जो आपको मिला विरासत में, ये भी एक कारण है कि आप जीते यहाँ पर, लोगों ने बहुत उम्मीद से आपको यहाँ पे वोट दिया। लगभग 9 महीने हो गए हैं आपको, 5 साल का समय आपको मिला, बहुत ज़्यादा समय नहीं है लेकिन बहुत कम समय भी नहीं है। तो अब असेसमेंट तो हो गया होगा आपका कि आगे का क्या रोड मैप है, और जो आपने भारी भरकम वादे किए थे, जिसको जो विरोधी हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी कहा करते हैं, ये कब तक पूरे हो पाएंगे, और क्या कुछ बता सकते हैं कि लोग, बहुत से लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं और विरोधी तो खैर निशाना साध ही रहे हैं कि वादे किए थे अभी पूरे नहीं हुए, हालांकि 9 महीने हुए हैं, ये मैं पहले ही कह रहा हूँ। देखिए शरद जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें 3.25 लाख करोड़ के करीब कर्जे में पंजाब मिला, लेकिन उसमें से हमने जितने काम किए, कर्जा नहीं हमने बढ़ने दिया। जब हमारा बजट आएगा तब आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी फुल टाइम बजट हमारा पहली बार आएगा, पहले तो क्योंकि मार्च में सरकार बनी थी 3 महीने के लिए, हमने कर्जा बिल्कुल बढ़ा नहीं है जब जब से आप आए हैं।
जब हमारा बजट आएगा तब तक आपको बजट पे जब डिबेट करोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इस बार पंजाब के बजट पर डिबेट करने के। मुझे बताने दीजिए, तो हमने खेती सेक्टर के बारे में बात करते हैं। हमने कहा कि मूंग की फसल बीजिए, हम आपको MSP देंगे, 7275 रुपये मूंग पर MSP है। पहले 5000 एकड़ में मूंग बीजा जाता था, बिनती के बाद वो 1,28,000 एकड़ हो गया। हमने उनको MSP दी ताकि मूंग की फसल एक एक्स्ट्रा फसल हो गई, और एक्स्ट्रा फसल के साथ साथ उससे धान थोड़ा लेट बुआई हुई ताकि मानसून के आसपास चला जाए, बिजली की खपत कम हो जाए, पानी जो धरती में हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो नीचे जा रहा है वो भी रुक जाए। हमने जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 85% जो प्रोक्योरमेंट है मूंग का वो तो प्राइवेट प्लेयर्स ने किया, ऐसा है क्या? मैं तो कहता हूँ 90 करें, लेकिन MSP से कम ना करें, MSP से ज़्यादा कर लें, हमें क्या प्रॉब्लम है? प्राइवेट प्लेयर को अगर मूंग चाहिए, हमने कोई पाबंदी थोड़ी लगाई है कि प्राइवेट प्लेयर नहीं खरीदेगा। प्राइवेट प्लेयर ने धान भी खरीदा है, उनको उनके शेलर चलने हैं, उन्होंने बिजनेस करना है, लेकिन MSP के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर वो गया है और सरकार खरीदती तो शायद नहीं, हमने कुछ डिफरेंस पे भी किया है, कई जगह मूंगी की फसल खराब हो गई, बारिश हो गई, जब जब दाना छोटा रह गया, जब कोई बीज में कोई प्रॉब्लम आई, हमने उसका डिफरेंस पे किया। अगर 6500 में बेची, 7275 उनका MSP है, तो हमने 775 रुपये उसको दिए, क्योंकि डिफरेंस भी पे किया। बिल्कुल, क्योंकि सब किसानों की बात करते हैं, अब केंद्र भी कहता है 20 से ज़्यादा फसलों पर MSP देंगे, लेकिन होता नहीं है। फिर ये कहा जा रहा है, फिर फ़र्क क्या रह गया MSP अगर हमारे किसानों को ना मिले? आप लोगों ने उम्मीद तो जगाई है, मूंग का भी दे रहे हैं, लेकिन फिर वो ज़मीन पर तो कारगर इतना नहीं होता, प्राइवेट प्लेयर्स ही डोमिनेट। हमने अभी देखो, धान पे तो MSP है, गेहूँ पे MSP है, हमने नरमा जो कॉटन की एक किस्म है, कपास की एक किस्म है नरमा, कपास, मूंग, ये 5 फसलें हो गई। हम 5 फसलों पर मूंग मतलब MSP देंगे। अगर MSP से कम बिकेगा हम डिफरेंस पे करेंगे, अगर कोई ख़राब हो गया, कोई फसलें ख़राब हो गई, वो भी हम मुआवजा भी देते हैं। लेकिन धान से हमने किसान को थोड़ा फसल का बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि दो कारण है। एक तो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हमारा पानी जो है पंजाब का ग्राउंड वाटर, वो बहुत नीचे जा चुका है, डेंजरस लेवल तक नीचे जा चुका है, 600 फुट 600 फुट तक भी चला गया है। 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 3800 लीटर पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हम देश को चावल नहीं दे रहे, हम देश को पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब 5 दरियाओं की धरती, हमारे पास धरती के नीचे पानी नहीं है। 138 ब्लॉक्स में से 109 ब्लॉक बिल्कुल डार्क जोन में है, डार्क जोन में। इसका कारण यही है कि धान की फसल पर MSP है, दूसरी फसलों पर अगर सेंटर सरकार MSP दे दे, कोई किसान भी नहीं चाहता मैं धान बोऊं। ठीक है, वो भी उस पर भी आएंगे, लेकिन जो एक अहम सवाल शरद ने जो पूछा था रिसोर्सेज का, कि अगर कर्ज इतना है रिसोर्सेज कैसे लेकर आएंगे? जो आपका जो फिस्कल डेफिसिट है 21-22 का 5.65 का अनुमान लगाया जा रहा है, हायर देन द बजट एलोकेशन ऑफ 3.99%, और जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अब देखिए आपने इसमें एग्रीकल्चर में, अर्बन डेवलपमेंट में, पुलिस में ज़्यादा, अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा इसके लिए आवंटित किया है। जैसे अगर एग्रीकल्चर में अन्य राज्यों ने 6.2% आवंटित किया है बजट का, तो आप लोगों ने 9.5% आवंटित किया है, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ में अन्य राज्यों के मुकाबले कम क्यों है भगवत मान साहब? एजुकेशन अन्य राज्यों में अगर 15.2% है तो पंजाब में 13.2%, और हेल्थ में 6% अगर अन्य राज्यों में तो यहाँ पर 4.7%, जबकि आप लोग 16 मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, अभी आपने 9 महीनों में 100 मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिए हैं, तो हेल्थ और एजुकेशन में कम क्यों बजट एलोकेशन? एलोकेशन और धरती में फ़र्क होता है। एलोकेशन उन्होंने 15% किया, लेकिन ग्राउंड पे कितना पहुंचा, इस बात में बहुत फ़र्क है। हमारे वाला 13.2 है, लेकिन ग्राउंड पे पहुंच रहा है। हम हेल्थ में हमने 100 मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर चुके हैं, और 31 मार्च तक 750 और हो जाएंगे, 26 जनवरी तक 500, 31 मार्च तक 750 मोहल्ला क्लिनिक खुल जाएंगे,
चालू हो जाएंगे। अभी जो 100 चल रहा है वो भी बहुत, उसमें 7.5 लाख से ज़्यादा फुटफॉल आया। हमने पैसा खर्च किया है, बीच में से लीकेज बंद किया है। ऐसे हम स्कूलों पर कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा हम स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है वो खोलने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। अभी उसका सर्वे चल रहा है, कहाँ कहाँ खोलने हैं, कौन कौन से एरिया में, बड़े बड़े गाँव में, कस्बों में, शहरों में। तो हम आने वाले दिनों में इस बजट को और भी बढ़ाएंगे। हमने स्पोर्ट्स के लिए, जो इससे पहले स्पोर्ट्स में पंजाब में एक धेला नहीं खर्चा जाता था, हमने खेड़ वतन पंजाब दे एक कार्यक्रम किया, 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने, बच्चों ने, नौजवानों ने उसमें हिस्सा लिया और हमने उनको अप्रिशिएट भी किया। बहुत से प्राइवेट प्लेयर ने हमें स्पॉन्सर भी किया। वेरका को हम मतलब पंजाब का सबसे बेटा कमाऊ बेटा बनाना चाहते हैं, वेरका। अब दिल्ली में हमारा सिर्फ 30,000 लीटर दूध जाता है, उसको 1.5 लाख लीटर पर लेके जाना है। हमारे पास एक्साइज का इस बार डबल से ज़्यादा बजट जो अर्निंग आएगी। पहले एक्साइज किसके पास होती थी? नेताओं के पास। ये मेरा L1, ये L9 तेरा है, ये L3 उसका है। तो अब हमने पारदर्शी तरीके से एक्साइज पॉलिसी बनाई और जो है वो रेवेन्यू आएगा। माइनिंग सबसे बड़ा जो मुद्दा उठता है, माइनिंग में जितना नजायज चलता था हमने बंद कर दिया, जितना जायज निकलता था हम उतने ही निकाल रहे हैं। पंजाब में अभी कमी है, रेता की कमी है, कारण के वो नजायज जो निकलना बंद हो गया ना, वही वाली कमी है। पंजाब सरकार भी उतना ही निकालेगी, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के कुछ ऑर्डर हैं, उनको भी, NGT के भी कुछ ऑर्डर हैं, हमें पालना करनी पड़ती है। बड़ी जल्दी आपको सस्ता और इजीली जो रेत अवेलेबल होगा, ये हो गया। और दूसरा हमने क्योंकि क्राइम एक अहम मसला है, उस लिहाज से किस तरह से आप इस भ्रष्टाचार पर काबू पा रहे हैं? देखो सबसे पहली बात तो निधि जी, आपके मुंह से ही बड़ी सच्ची बात निकली कि माफिया होता था तो हो गया ना, अब है नहीं ना, लिखा 200 है तो नहीं ना, तो उनको पकड़ा हमने। कितने करप्ट लोग बैठे हैं जेल में, बैठे हैं मंत्री जेल में बैठे हैं। एक मंत्री तो उसका अभी फाइल खोलने वाले थे, वो करोड़ रुपया लेके विजिलेंस वालों के पास आ गया कि जी मेरा नाम निकाल दो। जिन्होंने पकड़ना था उन्हीं के कोर्ट के चक्कर काट रहा है। तो इंडस्ट्री कैसे पंजाब में पनप रही थी, या इंडस्ट्री कैसे पंजाब से क्यों भाग रही थी, इसकी एक सबूत दे देता हूँ कि इंडस्ट्री मिनिस्टर के घर की तलाशी ली, बाकी तो चलो छोड़ो कि क्या क्या मिला। नोट गिनने वाली मशीन मिली, घर में नोट गिनने वाली मशीन होती है, बैंक में होती है। इसका मतलब उनका पूरा परिवार नोट गिन के थक गया था, उन्होंने कहा जी नोट गिनने वाली मशीन ले आओ, हमें हर रोज़ ये काम नहीं होता हमसे। ये वाले तो काम हमारा इंडस्ट्री का था। ऐसी बहुत से 9,000 एकड़ फॉरेस्ट की और पंचायत की ज़मीन जो बड़े बड़े रसूखदारों ने, नेताओं ने दबा रखी थी, नजायज कब्जा था, वो हमने छुड़वाई। उसका उसकी आमदन कहाँ आएगी? वो आमदन आएगी खजाने में आएगी, उसको हम लोगों में देंगे। तो लीकेज बंद करो, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया, जो 350 करोड़ में पुल बनता था ओवरब्रिज, वो 200 करोड़ में बनाया, 150 करोड़ बचा के दिल्ली की दवाइयां फ्री कर दी। ये कोई फ्री की रेवड़ी नहीं है कि 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं जी, फ्री की रेवड़ी। देखिए सरकारें ये करती हैं, लोगों से टैक्स लो, लोगों को टैक्स को किसी न किसी रूप में वापस देना होता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, स्कूलों के रूप में, बिजली के रूप में, अस्पतालों के रूप में। ये तो कहते हैं जी, मोदी जी भी कहते रहते हैं कि फ्री की रेबड़ी बांटने वाले हैं, ये बिजली फ्री कहते हैं, ये कहते हैं पानी फ्री। अगर ये फ्री की रेवड़ी है तो मुझे ये बता दीजिए, हर घर में, हर खाते में, हर व्यक्ति के हर खाते में 15 लाख रुपए आ जाएगा, ये वाला पापड़ किसने बेचा था, ये बता दीजिए। लेमान साहब इस पे आ गया 15 लाख आपका आ गया नहीं। जुमला बाद में कहते, ये तो जुमला था जी, इलेक्शन में ऐसी निकल गया मुंह से, ये थोड़ी होता है। हम गारंटी दे रहे हैं, हम वादा भी नहीं कर रहे, गारंटी। हमने गारंटियों के बिना भी काम कर दिए जो गारंटी के बिना भी थे, हमने गारंटी नहीं दी थी लेकिन काम होने वाला था, कर लें।
और इतनी इतनी फाइलें मेरे पास ऐसी ऐसी आती हैं, मेरा कई बार मैं बहुत उदास हो जाता हूँ कि पंजाब को इस तरीके से लूट रहे हैं, चाहे वो टोल टैक्स के जरिए, चाहे हमारी कोयले की माइंस 7 साल से बंद पड़ी थी पछवाड़ा में, वहाँ पे झारखंड में कोई उसका बालीवारस ही नहीं था, हमने चलाई, अब कोयले की कोई कमी नहीं आएगी। मतलब कोई ना कोई एंगल वो ले लेते थे जहाँ से हमें बने। अब इंडस्ट्री आ रही है, हम इन्वेस्टमेंट सबमिट कर रहे हैं 23-24 फरवरी को, उसके लिए पूरे देश में जा रहे हैं, मैं भी चेन्नई हैदराबाद भी जा रहा हूँ, वहाँ से भी टाटा स्टील हमारे पास आ रहा है, जिन टाटा जमशेदपुर के बाद दूसरा बड़ा प्लांट लगा रहा है लुधियाना में, हमारे पास सनातन टेक्सटाइल आ रहा है, नीदरलैंड की एक कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का MOU साइन किया है, बुराजपुरा में 100 करोड़ का कैटल फील्ड बनाने का कारखाना लगाएंगे। तो हम इंडस्ट्री भी आ रही है हमारे पास ताकि युवाओं को काम मिले, क्योंकि हमारा युवा ज़्यादातर ब्रेन ड्रेन हो रहा है, विदेशों की तरफ भाग। आपने करप्शन पे कार्रवाई की है और खुद ही अपने एक मंत्री पर आपने आरोप लगाया और उसे आपने कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसे जेल में चालान भी पेश कर डलवा दिया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर जो है सवाल उठे मान साहब के, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई, अमृतसर में एक नेता की पॉलिटिकल लीडर की हत्या हो गई, कभी मोहाली में जो है अटैक हो जाता है, अभी तरन तारण में जो है अटैक हो गया, तो ये जो सवाल उठ रहे हैं और ये जो हालात बन रहे हैं इसको लेके किस तरह से आप जवाब देंगे कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है और हालात जो हैं बिगड़ नहीं रहे, सब ठीक ठाक है? देखो, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल में है, बहुत ही गंभीर विषय है, एक तो बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर के उस पार से और संवेदनशील मामला है, बॉर्डर के उस पार से बहुत सी गैर सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं, ड्रोन, आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई, ड्रोन आते हैं, पकड़ते हैं ड्रोनों को, उधर से गैंगस्टर और लालच देकर हथियार भी फेंके जाते हैं। वो जो गैंगस्टर कल्चर है ये 7-8 महीने में तो पैदा नहीं हुआ, गैंगस्टर कल्चर को शुरू करने वाले कौन थे जो आज अमन कानून की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, कहते जी अमन कानून की स्थिति ठीक नहीं है, उनके समय में जेल ब्रेक हुई नाभा की, उनके समय में थानेदार अपनी बेटी की इज्जत बचाते हुए शरेआम बाजार में गोली से मार दिया गया और उसकी छाती पर पांव रख के अपने आका के नारे लगाए गए जिंदाबाद के, उन्होंने गैंगस्टर पैदा किए और जब चाहा उन युवाओं को इस्तेमाल किया, जब चाहा जेल में, जब चाहा जेल से निकाल लो। तो हमने इतने गैंगस्टर पकड़े हैं कि अब उनमें ये खलबली है कि अगर अमन कानून भी भगवंत मान ने बिल्कुल कंट्रोल कर लिया तो हमारे पास बुद्धा क्या रह जाएगा। देखो, विकास में तो वो हमारा मुकाबला कर नहीं सकते, अमन कानून में बोलने के लिए बोलते रहते हैं, अब तो वो मेरे जूतों पर भी आ गए हैं कि जूते जो हैं इतने रुपए के जूते हैं, इसके पीए की घड़ी की कीमत ये है, हम तो ये कहते हैं जितने पैसे के वो जूते कह रहे हैं, हम 90% डिस्काउंट देते हैं, वो जूते ले जाएं हमारे। अरे वो मतलब कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास। मान साहब, लेकिन देखिए 200 गैंग्स बताया जा रहा है सक्रिय हैं, और जो बहुत अहम मुद्दा है कानून व्यवस्था का, जो RPG से हमला होता है उसमें मुंबई पुलिस ने पकड़वात की, सिद्धू मूसेवाला मामले में जो गिरफ्तारियां हुई वो दिल्ली पुलिस ने की, तो ये गंभीर सवाल है। और गोल्डी बरार वो कह रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है वो पकड़ा जा रहा है, फिर वहाँ से वो एक वीडियो आ रहा है कि नहीं पकड़ा जा रहा है, क्या हो रहा है उस मामले में? देखिए, ये पूरे नॉर्थ इंडिया में हमारी पुलिस जो है वो BSF के साथ भी, सेंटर की एजेंसियों के साथ भी मिलके काम कर रहे हैं, कभी हम राजस्थान से पकड़ के लाते हैं, कभी उत्तराखंड में हम पंजाब पुलिस जाती है और पकड़ के लाते हैं, UP में से पकड़ के लाते हैं, हरियाणा से पकड़ के लाते हैं, हम NIA के साथ, BSF के साथ और केंद्र की सभी एजेंसियों के साथ मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। और जितने भी केस हुए हैं हमने ऑलमोस्ट सभी 90% से ज़्यादा हल कर लिए हैं। अब जो भी हमें इनपुट आती है, चाहे वो सेंटर से आए, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, हम उसके लिए पहले अवेयर रहते हैं। पंजाब पुलिस इतनी सक्षम है क्योंकि पंजाब पुलिस ने, अगर इतिहास देख लें तो बेस्ट पुलिस है देश की, तो पंजाब पुलिस इतनी सक्षम है कि वो इन गैंगस्टरों का मुकाबला कर सकती है, और ये जो छोटी मोटी जो स्नैचिंग होती है या वो वाली चीज़ भी जो है
हम खत्म करने में लगे हुए हैं, ड्रग्स जो बड़ा मामला है उसमें क्या? साहब एक सवाल ये कि जो मूसे वाला मामला एक तबके के लिए इमोशनल रहा है, तो ऐसे में गोल्डी बरार पर क्या आपको जानकारी मिली है? देखिए इसके बारे में, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट है, इसके बारे में मैं आप अभी रिवील नहीं करूँगा, लेकिन जिस दिन सब कुछ हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। हम केंद्रीय एजेंसी अमेरिकन जो उनकी FBI है उनके साथ इन टच हैं, बड़ी जल्दी जो है कोई ना कोई नतीजा सामने आएगा, क्योंकि दूसरा देश है, उनके कानूनों के मुताबिक भी चलना पड़ता है, लेकिन मैं इसमें और ज़्यादा इसमें बात नहीं करूँगा। ड्रग्स पे क्या काम हुआ अब तक, क्योंकि चुनाव में बड़ा मुद्दा था और पंजाब के अंदर यही चर्चा है कि या तो आप विदेश चले जाते हैं या अगर यहाँ नौकरी लग जाए तो ठीक है, वरना आप ड्रग्स की चपेट में यहाँ पर आ जाएंगे, तो ड्रग्स पे कितना काम किया और कब तक स्थिति नॉर्मल? ड्रग्स का सबसे बड़ा तोड़ ये है कि युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, क्योंकि पंजाबी में कहावत है बेला मन शैतानी न कर, मतलब अगर वो फ्री रह गया तो बुरी संगत में जाने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर उसको काम मिल गया फिर वो ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं किसी भी ऐसे आदमी को नहीं जानता, ऐसे लड़के को नहीं जानता जो काम भी करता हो और ड्रग भी लेता हो। इसीलिए हम इंडस्ट्री को लेके आ रहे हैं, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा कर रहे हैं। हमने अभी अनाउंस किया है कि हर साल 1800 है कांस्टेबल और 300 सब इंस्पेक्टर, 2100 जो जवान हैं वो पंजाब पुलिस में भर्ती किए जाएंगे। पहले भी 2100 करते थे, फर्क हमारे में इतना है कि हमने पहले बता दिया कि जनवरी में नोटिफिकेशन होगा, मई और जून में आपका रिटर्न टेस्ट होगा, सितंबर 15 से सितंबर 30 तक आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ताकि आप पहले तैयारी कर लें। ड्रग से मुकाबले के लिए 6 करोड़ की राशि भी कुछ आवंटित की गई है, आप लोगों ने करी, वो क्या है? नहीं, वो तो हमारा तो एंटी ड्रग ट्रांसपोर्ट जो है टास्क फोर्स भी है, सब कुछ है वो। मैडम पता क्या है, आप जब आप युवाओं को बिजी कर दोगे, युवा ग्राउंड में हैं, युवा नौकरी पर हैं, तो उनके कस्टमर खत्म हो जाएंगे। अगर 10 किलो यहाँ से पकड़ ली वो 15 किलो इधर से आ जाएगी, 15 यहाँ से पकड़ गई 20 इधर से आए। सबसे पहले तो बात ये हो ना कि जी यहाँ बेचें कहाँ, यहाँ का नौजवान तो ग्राउंड में खेल रहा है, वो तो पंजाब पुलिस में भर्ती हो रहा है, वो तो फौज में जा रहा है, वो तो नौकरी कर रहा है। तो इसलिए हमने स्कूल लेवल से ये शुरू किया है ताकि उनका जो नेक्सस है वो टूटे। स्मगलरों को भी पकड़ रहे हैं, हर रोज़ पकड़ी जा रही है, ओट क्लिनिक हमने बनाए हुए हैं, जो ड्रग में आ गए चलो आ गए कोई बात नहीं, गलती इंसान से हो जाती है, उनको कैसे वापस समाज में लेके आना है, उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, साइकेट्रिस्ट उनके लिए रखे हुए हैं, उनको किसी ड्रग जो सिंथेटिक ड्रग है या उससे हटाकर थोड़ा थोड़ा माइल्ड जो भी ओट क्लिनिक में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उनको नौकरी दें, अदरवाइज वो उनको एक बार आपने ड्रग से उतार भी लिया 10 दिन 15 दिन महीने बाद फिर वहीं चले जाएंगे अगर उनको काम ना मिला। तो रोजगार जो है सबसे बड़ा तोड़ है ड्रग को रोकने का। मान साहब लेकिन इसमें नेटवर्क को भी तोड़ना है, क्योंकि आपने युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ज़मीन पर एक प्रभावशाली स्कीम की ज़रूरत है अगर ड्रग्स का मेनेस को समाप्त करना है, लेकिन जो उसको फैला रहा है उस पर भी आपने ज़मीनी तौर पर क्या विचार किया है? नहीं देखिए सख्त से सख्त सजा देते हैं, NDPC के अंडर जो भी ड्रग्स में एक बार आ गया उसको उस पर नज़र भी रखी जाती है कि वो कहाँ से लेके आया था सामान। कई बार अभी कल ही DGP साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 80,000 दे देंगे आपको, आप ये वाला बंडल वहाँ पहुँचा दो। एक लड़का 17 साल का लड़का था, उसको सिर्फ ये पता था कि मैंने ये बंडल वहाँ पहुँचाना है मुझे 80,000 रुपये मिल जाएगा, इसका भी कारण रोज़गार हो गया। अगर या तो बहुत ही अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा होता, वो पढ़ाई ले रहा होता, या फिर काम कर रहा होता, तो उसको उससे बंडल से क्या लेना देना। तो वो यूज़ कर रहे हैं बेरोज़गारी को, युवाओं को ईजी मनी में। तो हम जिनको भी पकड़ते हैं उनको सख्त से सख्त सजा हम जो है वो देने के लिए, चाहे एक्ट में हमें अमेंड करना पड़े, चाहे सेंटर सरकार से हमें बोलना पड़े कि एक उनकी प्रॉपर्टी अटैच करें। आप इस पे विचार कर रहे हैं? हाँ जी, मेरी होम मिनिस्टर साहब से
अक्सर बात होती रहती है प्रॉपर्टीज़ उनकी अटैच करें उसके साथ, ताकि आने वालों को पता चले कि नहीं यार चार दिन की चांदनी है, फिर तो अंधेरी रात है, सब कुछ चला जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा। अगर आप किसी का घर बर्बाद कर रहे हो तो आपका घर भी उसी चक्कर में बर्बाद हो सकता है। तो ताकि एक मिसाली सज़ा मिले, ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना कर पाए कि किसी के नौजवान बेटे को ड्रग पे लगा दे। हाँ सब 2017 का चुनाव हो या 2022 का चुनाव हो, बेअदबी एक बहुत बड़ा मुद्दा रही और आपने चुनाव में उसमें बहुत वादे भी किए और ये कहा कि हम सरकार में आ जाएंगे तो इस तरह से एक तो कानून लागू करेंगे, इस तरह से जांच करेंगे कि आगे कोई ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। तो बहुत से लोग जो हैं आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि भगवंत मान इस पर क्या करने वाले हैं, इस पर कहां तक कार्रवाई हुई है? हमने आते ही मार्च 16 को ओथ ली, हमने आते ही जो एक तो हाईकोर्ट ने SIT बनाई है, मिस्टर LK यादव उसको लीड कर रहे हैं, एक कोटकपूरा गोलीकांड की SIT है जिसको मिस्टर नौनिहाल सिंह लीड कर रहे हैं, उनकी मीटिंग ली, केस समझा, 2015 से 2022 तक केस को इतना ज़्यादा अपने पक्ष में किया हुआ है, अपने खिलाफ ही जांच कैसे हो जाएगी जी? उन्होंने अपने 2 साल तो 15 से 17 तक तो अकाली दल की सरकार रही, होम मिनिस्टर कौन थे? सुखबीर बादल, उन्हीं का तो नाम आ रहा था बीच में, तो वो अपने खिलाफ ही जांच कैसे कर लेंगे? इसलिए उन्होंने किसी रिटायर्ड जज की जो SIT थी उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। तो हमने वादा किया कि हम इसमें हम सच जो है वो सामने लेके आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। हमने बरगाड़ी में भी हम उस मोर्चे के साथ, इंसाफ मोर्चा जो है उनके साथ इन टच है। अगर तो देखो हाई कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम है, अगर तो वैसे ही कच्चे पाँव हम कर दें, पंजाबी में बोलते हैं कच्चे पैरी कर दिए, तो हम कर देते हैं, कल कर देंगे चलान। लेकिन अगर उसमें जो सच्चाइयां हैं वो डालनी है तो हमें तो रीराइट करना पड़ रहा है, लगभग रीराइट करना पड़ रहा है। मान रहा हूँ कि अगर बहुत पुराना मामला है, 2015 से ये सब हो रहा है, पर कितना समय आपको लग ज्यादा? अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखो हमने जब SIT को कहा कि जल्दी से जल्दी करना है, अब कुछ दिनों में ही हो जाएगा। क्योंकि ये भी सबको जानना जरूरी है कि ये पंजाब में ही ये सब हुआ है, बाकी और इस तरह की घटनाएं सुनने में नहीं आती, ये पंजाब में ही हुआ कि गुरुद्वारे में भी हो रहा है, मंदिर में भी हुआ, ये सब बहुत जरूरी है। इसलिए जिनके नाम आएंगे ना सामने, जब चलान पेश कर दिया, तब आपको ये सच पता चल जाएगा कि पंजाब में क्यों हुआ है। क्योंकि वो खुद ही इलेक्शन के लिए कभी कुछ अपने पर्सनल मोटिव के लिए उन्होंने ये करवाते रहे। तो पंजाब, मैं खुद बोलता रहा हूँ कि अगर देखो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को हम अपना बाप मानते हैं, अपना पिता मानते हैं, अगर हमारा पिता, हमारा बाप जो हमारे घर में सेफ नहीं है तो बाहर की उम्मीद कैसे करेंगे? तो किसी भी धर्म का, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे बाइबल हो, किसी भी जो धर्म के जो पवित्र ग्रंथ की अगर कोई बेअदबी होती है, अभी मैं होम मिनिस्टर साहब के साथ मिल के आया हूँ और मैंने उनको लेटर दिया है कि कम से कम इसकी या तो कम से कम उम्र कैद की सजा तो हो, ताकि दोबारा कुछ हिम्मत ना कर पाए। राघव जो हैं, राघव चड्ढा पार्लियामेंट में ये सवाल उठा रहे थे कि 295 IPC 295 जो है इसको मजबूत करें, हाँ। पर क्या आप अपनी तरफ से कानून नहीं ला सकते विधानसभा के अंदर इसको लेकर? क्योंकि सेंट्रल एक्ट है इसमें, हम तो पंजाब में कानून लेके आएंगे, कानून भी फिर उनके पास लाना पड़ेगा कि जी इसको लागू करो, कि जहाँ भी कोई बेअदबी होती है सख्त से सख्त, इतनी सख्त सजा मिले। नहीं, लॉ ऑफ द लैंड तो अलग हो सकता है यहाँ पे आपके हिसाब से? नहीं, उसके लिए होम मिनिस्ट्री से बात करनी पड़ेगी। अच्छा। तो हम होम, अगर हम अमेंड कर पाए हम तो अमेंड कर देंगे, वहाँ से वो कहते हैं जी राज्यपाल के पास पड़ा है, राज्यपाल साइन नहीं करते, तो ये भी दिक्कत रहती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी पे कि आने वाले बस दिनों में ही बहुत कुछ सामने आएगा और हम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे और सच का सच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मान साहब, पेंशन स्कीम को भी लेकर, महिलाओं के लिए 1,000 रुपये की आपने बात की, फिर ये पेंशन स्कीम को भी लेकर बात हो रही है, OPS को लेकर लाएंगे, अब देखिए कुछ राज्य कांग्रेस है वो ला रही है, आप लोग उस पर कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि एक बड़ा वायदा है।
देखो ओपीएस में उसमें तीन राज्यों के बारे में केंद्र सरकार ने, तीन राज्यों ने जब मांगे पैसे कि आप वो जो एनपीएस के तहत गया हुआ है पैसा वो दे दीजिए, तो केंद्र सरकार ने कहा कि ये रूल्स में ऐसा नहीं है तो वो नहीं दे सकते। आपने अपने यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम जो है नोटिफाई कर दी है, यानी कि आप भी उसी राह पर हैं। नहीं, हमने तो ओपीएस पर्ची तो नहीं है ये। नहीं नहीं, ओपीएस हमने नोटिफाई कर दिया, कैबिनेट में पास हो गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया। मैं एक इसमें थोड़ा, जो जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं उनको थोड़ा आसानी से समझाना चाहता हूँ कि क्या है। 2004 से पहले जो मुलाजम थे उनका जो पैसा कटता था वेतन से, वो उनको रिटायरमेंट के समय ब्याज समेत उनको मिल जाता था। किसी को 15 लाख, किसी को 20 लाख फंड हो गया इकट्ठा, तो वो अलग से कोई ना कोई अपना प्लान कर लेते थे रिटायरमेंट के बाद, मैं घर बनाऊँगा, अच्छा घर बनाऊँगा, बेटे को पढ़ाऊँगा, बेटी की शादी पर लगाऊँगा, उतना उनकी मर्जी थी। अब एनपीएस में क्या कह रही है गवर्नमेंट कि आपका पैसा तो काटेंगे, पैसा तो हम उसमें से ले लेंगे जो आपकी वेतन है, लेकिन उसको मर्जी से हम शेयर मार्केट में यूज़ करेंगे। पूछेंगे नहीं स्टेक होल्डर को कि तेरा पैसा किस शेयर में लगाना है, किस मार्केट में। फर्ज कर लो केंद्र ने मुलाजमों का पैसा किसी बैंक में लगा दिया, उस बैंक को हमारे पास हैं इतने देश में बड़े बड़े जो बैंक लूट कर ही भाग जाते हैं, उस बैंक को कोई बैंक लूट कर कोई लंदन भाग गया, तो फिर केंद्र सरकार क्या कहेगी कर्मचारियों को कि जी वो बैंक लूट कर भाग गया, पैसा उसमें आपका था, सॉरी अब आपका पैसा तो भाग गया, हम उसको लंदन से वापस लाने की कोशिश करेंगे। कई ऐसे भी मैंने, मेरे पास मिलकर गए हैं जिन्होंने 25-25 साल नौकरी की और 1000-1000 या 1500-1500 भी पेंशन नहीं मिल रही क्योंकि शेयर मार्केट डूब गया। मतलब ये कि केंद्र सरकार मुलाजमों के, कर्मचारियों के पैसे को उद्योगपतियों का कर्जा उतारने के लिए इस्तेमाल कर रही है, नंबर एक बात। नंबर दो, 18,000 करोड़ है पंजाब का, कहते जी हम देंगे नहीं, एक हो गया। 2800 करोड़ हमारा रूरल डेवलपमेंट फंड का पड़ा है, देंगे नहीं जी। कोयला हम महानदी कोल से लेते थे माइन से उड़ीसा में, अब हमें कहा गया है आप ट्रेन में सीधा नहीं ले जा सकते पंजाब, इसको पहले बंदरगाह पे लेके जाओ उड़ीसा की, शिप में लोड करो, श्रीलंका के ऊपर से आके मुंद्रा पोर्ट पे आओ, मुंद्रा पोर्ट पे अनलोड करो, वहाँ से ट्रेन से लेके आओ। आप मुझे बता दीजिए निधि जी, अगर आपने उड़ीसा से पंजाब आना है क्या आप बाया श्रीलंका आते हो? बता दीजिए क्यों हम जाएं इतनी दूर, चार गुना कोला महंगा पड़ेगा। कहती हमारे पास रेलवे के रैक नहीं है। नंबर तीन, जो हमने कल कोल माइन हमारी शुरू हुआ पछवाड़ा में, उसमें सिर्फ हम दो हमारे सरकारी जो थर्मल प्लांट है उसको कोला दे सकते हैं। हमने कहा जी इतना ज़्यादा कोयला है वहाँ पे, 70 लाख मीट्रिक टन हम निकालेंगे एक साल में, तो दो के लिए तो बहुत ही काफ़ी है। हम जो प्राइवेट हैं पीपीए उनके साथ हुए हैं, उनको दे देते हैं सस्ता, ताकि टैरिफ भी उनसे सस्ता करवा लेंगे। कहते जी दे दो, लेकिन 800 रुपया पर टन रॉयल्टी देनी पड़ेगी। माइन हमारी, गाड़ी का खर्चा हम दे रहे हैं, पंजाब में हम किसको कोयला दे रहे हैं उस पर सेंटर को रॉयल्टी। मैंने निम्रतापूर्वक, बहुत ही विनम्रता बेनती की कोयला मंत्री से, बिजली मंत्री से, मैंने कहा जी अगर राज्यों को आप सेंटर से पैसे दे नहीं सकते, कम से कम राज्यों को अपने पाँव पे खड़ा होने दो, हमारे वाला तो दे दो ना, जो हमारा बनता है हमसे लो तो ना ना, कि इतने भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। जीएसटी का पैसा अभी तक रुका हुआ है, अब ये एनपीएस का रोकेंगे? सेंटर के पास क्या पैसे की कमी है? हर रोज़ सुनते हैं कि रुपया कमज़ोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ है, तो ये तो वो मतलब हो गया। अगर हमारे वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि रुपया कमज़ोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ है, मतलब बिल्कुल ऐसी बात यह है कि टाइटैनिक नहीं डूबा था, पानी ऊपर आ गया था, है ना? अच्छा तो एक बात, मतलब ये लॉजिक की बात है जी, मुझे समझ नहीं आती। इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और ऐसे ऐसे मतलब गैर जिम्मेदारान स्टेटमेंट, मुझे नहीं लगता कि देश की जो आर्थिकता है वो ऐसे हम ऊपर कर पाएंगे सिर्फ भाषणों से। एक सवाल जो निधि पूछ रही थी, 1000 रुपये प्रति महिला को आपने देने का वादा किया, और ये वादा जो है
कांग्रेस भी कॉपी करती दिखाई दी हिमाचल में, उन्होंने 1500 रुपये देने का वादा किया, आप पंजाब में जीत गए, कांग्रेस हिमाचल में जीत गई, तो ये आप अपने तरफ से बता सकते हैं अभी कि कब तक ये वादा हमारा नेक्स्ट जो गारंटी है हाँ। इसी पे काम चल रहा है हमारा, हम एक अंदाजे के मतलब 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए शायद चाहिए होंगे आपको। कोई बात नहीं सर, 12-14 हज़ार करोड़ की तो हम सब्सिडी देते हैं बिजली की, उसको कम कर लेंगे, धान की बजाय किसी और फसल के लिए हम लोगों को तैयार करेंगे, किसानों को हम पल्सेस बीज सकते हैं, सूरजमुखी बीज सकते हैं, हम पॉपुलर लगा सकते हैं। फिर भी किसान धरने पर क्यों बैठते हैं आपके सामने? हैं जी, किसान धरने पर क्यों आ जाते हैं फिर? देखो, क्योंकि दो फसलों में स्टक हो गया किसान हमारा, धरती इतनी फर्टाइल है जितनी मर्जी फसलें बीज लो, लेकिन क्योंकि दो पर ही MSP मिलती है। अब मैं मक्की बीज लूँ, पाँच एकड़ मैंने मक्का लगा लिया, 5 एकड़ में मैंने धान बीज लिया, जितने पैसे मुझे धान से मिले फायदा हुआ उतना मुझे मक्की से होना चाहिए, वरना अगले साल फिर मैं 10 में धान पे आऊँगा। हम यही कह रहे हैं कि या तो डिफरेंस पे कर दो, जब मक्की का MSP जो है वो उतना कर दो कि धान से हमारा किसान छुटकारा खुद भी चाहता है, नहीं चाहता कि धरती का पानी ख़त्म हो, और FCI भी नहीं चाहती, वो कहते हैं हम खरीदेंगे नहीं, FCI भी कहती है कि हमारे पास इतना राइस पड़ा है कि 5 साल के लिए हमारे पास स्टोर में पड़ा है। लेकिन हम अपराधी अन्नदाता क्यों बना रहे हैं? पहले तो उससे चावल ले लेते हैं, बहुत ग्रैंड प्रोडक्शन हुई जी चावल की, बहुत अच्छा इस बार पैदावार बढ़ी, पैदावार तो बढ़ी लेकिन साथ में पराली की भी तो बढ़ी, पराली भी तो उतनी ही आएगी ना, उससे लेके चावल 15 दिन बाद उसके पर्चा करो जी, इस पर चावल तो ले लिया, पराली को आग क्यों लगाई? मामान साहब, जो पराली की समस्या दिल्ली की सरकार ने तो सुलझा ली है, तो यहाँ पर क्यों वही मॉडल जो पूसा इंस्टीट्यूट का था वो लागू नहीं हो सकता? देखो, जो पराली की समस्या वही है ना, अगर हम धान डीकम्पोजर कोई है जो नहीं, कहते हैं पता क्या, एक धान अगर हम कम कर पाए, अभी 75 लाख एकड़ हमारे धान है, 35 से 38 लाख पर आग नहीं जलाई जाती, पराली नहीं जलाई जाती, बाकी 40 पर है, उनको कम करने की कोशिश करें। लेकिन हमने सेंटर को कहा कि जी ऐसा करो, 1500 रुपये आप दे दो पर एकड़, 500 रुपये दिल्ली सरकार दे देगी, 500 हम दे देंगे, 2500 रुपये पर एकड़ कंपनसेशन दे दो, वो कहीं भी पराली को लेके जाएं हम उनको पैसे देंगे, आग नहीं लगानी। कहते जी पैसे नहीं मिलेंगे, पराली कम जलाना कम करो। मैंने कहा जी फिर कैसे करें? कहते प्रेरित करो, रेडियो पे, टीवी पे, अखबारों में ऐड दो। मैंने कहा जी प्रेरित तो फिर जब से होश संभाला है बसों पे दीवारों पे लिखा देखा है हमने। कंपोस्ट फर्टिलाइजर दिल्ली सरकार ने कहा असेंबली में वो यूज कर रहे हैं, बायो डीकम्पोजर है वो सफल रहा है, पंजाब में क्यों नहीं? देखियो हमारे पास यहाँ रकबा बहुत बड़ा है, तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे एक बर्बियो कंपनी है जर्मनी की, उसने एक प्लांट लगाया लहरागागा में, वो पराली से बायो एनर्जी बनाते हैं, खाद भी बनती है और जीरो लिक्विड डिस्पोजल है उनका। 47,000 एकड़ में उन्होंने पराली जलने नहीं दी, उनको 1,00,000 टन पराली हर साल चाहिए, क्योंकि कंपनी जो है वो फैक्ट्री जो है 24 घंटे चलती है। ऐसे 10 प्लांट और आ रहे हैं, मतलब वहाँ किसानों की पराली बिक रही है। तो यहाँ पे पंजाब में आ रहे हैं आप कह रहे हैं? पंजाब में ही है पहली, अच्छा। पहली जो 18 अक्टूबर को हमने उसको शुरू किया है लहरागागा के पास, माननीय पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी वहाँ आए थे, उद्घाटन किया है, 10-15 और ला रहे हैं। कोई ना कोई हम कोई लेटेस्ट टेक्निक कोई भी आए दुनिया से, हम उसके लिए जाते हैं। हम 23-24 तारीख को एक सबमिट कर रहे हैं इन्वेस्ट पंजाब, उसमें भी बहुत से लोगों के साथ हम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे तो वो फूड प्रोसेसिंग हो, चाहे वो एग्रोटेक की कुछ मशीनें हों, जो उनके लिए हम उनको सब्सिडी देने के लिए तैयार हैं, उनको जगह देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आइए और हमारी हवा को पानी को बचाइए। चलिए, समय कब है, राजनीतिक क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। एक सवाल थोड़ा कड़वा सा पूछ लेती हूँ आपसे, इससे पहले वाले मीठे थे। ये सवाल ये कहा जाता है कि आप एक रिमोट कंट्रोल के मुख्यमंत्री हैं, शोपीस मुख्यमंत्री है, क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, ये आप एक शोशा है, पंजाब जो है वो एक सेंसिटिव स्टेट है, पंजाब एक सोशल बॉन्डिंग वाली स्टेट है, हम यहाँ इकट्ठे रहते हैं। हमारे पंजाब में ऐसा नहीं है कोई, जो पंजाबी हैं वो तो देश को चलाते हैं, जो एक पंजाब ऐसी स्टेट है जिसकी फ्रेंचाइज है पूरी दुनिया में,
वैनकूवर में भी एक पंजाब है, टोरंटो में भी एक पंजाब है, मेलबर्न में भी एक पंजाब है, सिडनी में एक पंजाब है, लंदन में एक पंजाब है, कैलिफोर्निया में पंजाब है। दिल्ली से एडवाइजर की क्यों जरूरत पड़ी हुई है? कोई अच्छी चीज़ सीखने के लिए आप किसी और स्कूल में नहीं दाखिला ले सकते। अच्छी चीज़ सीखने के लिए दिल्ली हमसे भी सीख रहा है, हम दिल्ली से सीख रहे हैं। अगर उन्होंने स्कूल अच्छे बना दिए तो उनके स्कूलों के लिए हम उससे भी अच्छे बनाने के लिए उनसे राय ले नहीं ले सकते। हमारी ही पार्टी है। पंजाब मॉडल बेटर है कि दिल्ली मॉडल बेटर है? सभी मॉडल बेटर हैं, पर दिल्ली का कल्चर और है, पंजाब का और है, लेकिन गुजरात मॉडल जो मैं देख के आया हूँ उसको जरूर दिखाना है इस बार। हाईवे से उतरो बॉस, गुजरात मॉडल आपको समझ आ जाता है। तो इसलिए जीत देखो, आपने गुजरात का जिक्र कर दिया, वहाँ पे ऐतिहासिक जीत मिली। अब आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, 10 साल में एक राष्ट्र पार्टी बन गई और उसको बधाई मैं आपको दी हूँ। लेकिन जो बीजेपी है वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर तमाम चुनाव लड़ती है, उससे मुकाबले के लिए क्या रणनीति है आप लोगों की? हमने देखो, हमने मोदी साहब से कोई मुकाबला नहीं करना। हम किसी को हराने नहीं जाते, जहाँ भी जाते हैं हम लोगों को जिताने जाते हैं। हमारा तो एजेंडा ही डिफरेंट होता है। हम तो स्कूलों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। पेपर फूटने का मुद्दा बहुत बड़ा है गुजरात में, हमने उसकी बात की। हम मतलब मेडिकल हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम नफरत की बात नहीं करते। लेकिन हाँ, इतना मैं बता देता हूँ, 10 साल पुरानी पार्टी है, सिर्फ 10 साल, 10 साल पुरानी पार्टी है। कई बार क्या होता है, छोटी पार्टियाँ जो होती हैं, हमारी 10 साल पुरानी पार्टी है, 2 राज्यों में हमारी सरकार है, 10 हमारे राज्यसभा के MP हैं, गोवा में, गुजरात में हमारी MLAs हैं, और राष्ट्रीय पार्टी हम बन चुके हैं 10 साल में सिर्फ। कई बार छोटी पार्टियां नंबर्स में कम रह जाती हैं कि कम आ गए जी, नंबर कम आ गए। छोटी पार्टियां नंबर्स में कम रह जाती हैं, लेकिन वो बड़ी पार्टियों का एजेंडा रीसेट करवा देती हैं कि ये ना आ जाएं, इनके वाला हम अपना लो। चलो हमारे डर से ही सही, धरती पर तो उतरे। पहले तो दिल्ली में जब इलेक्शन होते थे तो रैली के नहीं, हेलीकॉप्टर से ऐसे ऐसे करके जीत जाते थे। अब MCD चुनाव में गृह मंत्री जी घर घर जाके पर्चे बांट रहे थे, धरती पर तो आ गए। आप लोग गुजरात गए, उसके वजह से राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आप अगर गुजरात नहीं जाते, कांग्रेस को टारगेट नहीं करते, तो वो बीजेपी को हरा देते। आप तो हरा ही नहीं पाए, कांग्रेस को भी हराने। राहुल गांधी कितनी बार गए हैं गुजरात? एक दिन गए हैं भारत, वो एक दिन चाहते हैं कि हम हरा देते। भाई साहब, इलेक्शन हो रही थी जहां सूरज छिपता है, राहुल गांधी पैदल मार्च कर रहा था जहां से सूरज चढ़ता है। तो इनको पहले अपनी टाइमिंग ठीक करनी चाहिए। कांग्रेस अब चेंज नहीं है, कांग्रेस एक्सचेंज है। कांग्रेस का तो जब मर्जी उनके 8 MLA इधर चले गए, 4 इधर चले गए, कुछ नहीं कहते। पता नहीं तो उन्हीं के लिए बनाते हैं वो, या फिर कई बार क्या होता है ना, इतनी गरीबी आ जाती है किसी घर पे, लोग कहते हैं यार इतनी गरीबी आ गई, घर के बर्तन बेचकर गुजारा कर रहा है। शायद कांग्रेस पर भी इतनी गरीबी आ गई है कि MLA बेच कर गुजारा करना पड़ रहा है। अच्छा, कोई भी ले जाता, कोई बात ही नहीं करते। मध्य प्रदेश में सरकार लोगों ने कांग्रेस की बनाई थी, आज किसकी है? बीजेपी की। कर्नाटका में सरकार लोगों ने बीजेपी की नहीं बनाई थी, आज सरकार किसकी है? बीजेपी की। महाराष्ट्र में, अरुणाचल में, गोवा में, ये तो मतलब ऐसा लगता है कि उनके लिए बनाते हैं कि आप ले लो, अगर कम पड़ते हैं, कोई थोड़ा बहुत बहुमत कमज़ोर है, मजबूत करना है, हमसे ले लो। तो कांग्रेस ने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं गुजरात में, कब लड़ा कांग्रेस ने इलेक्शन गुजरात में? सो कांग्रेस कोमा में चली गई है, मतलब वो कोई पता नहीं है अभी तक। आप तो कह रहे हो ना दिल्ली से चलते हैं भगवंत मान की सरकार, ये वो, उन अभी कांग्रेस वाले भी आएंगे ना आज, उनको बोलो सुखू जी अब पैदल भी चल गए हैं, उनको मंत्रिमंडल तो बनाने दो, वो मंत्रियों के नाम लेके घूम रहे हैं जी, मंत्री तो बनाने दो हमें। तो वो तो बहुत ही मतलब खुद मुख्तियारी अटॉमनी की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से चलती है, दिल्ली वाली, पंजाब से चलती है, पंजाब वाली। नॉलेज शेयर एग्रीमेंट है, अच्छे काम सीखेंगे, सीखकर यहाँ अप्लाई करेंगे। जब ट्रंप की वाइफ ने कहा था मैंने सरकारी स्कूल देखने हैं दिल्ली के, तो मोदी साहब ने MCD वाले क्यों नहीं दिखाए? केजरीवाल वाला स्कूल क्यों खुलवाना पड़ा? तो इसका मतलब उन्होंने भी सीखा है कि ये अच्छे हैं, MCD वालों का हाल बुरा है, इसीलिए MCD लोगों ने हमें दी है
कि दिल्ली तो ठीक कर दी, अब एमसीडी भी ठीक कर दो, एमसीडी ठीक कर दो। अच्छा, बस आखिरी सवाल, एक दो मिनट रह गए। आपने कहा कि जो विपक्ष ने अपना एजेंडा सेट किया है, मोदी जी की बात जब हम कर रहे थे बीजेपी, लेकिन क्या पंजाब में भी आपको अपना एजेंडा सेट करना होगा? क्योंकि दिल्ली से कई बड़े मुद्दों पर, नेशनल मुद्दों पर चुप्पी साधी जाती है, लेकिन पंजाब में वो आहत होते हैं। अब संगरूर आपको याद है, 100 दिन में आप जीते, संगरूर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ पर बायपोल हार गए। क्या कारण कि संगरूर आपके सीट से ही बायपोल हारे आप लोग? कई बार क्या होता है ना, मतलब बहुत बुरे बुरे दौर में आप लोग संगरूर जीते और इतने बढ़िया दौर में संगरूर हार गए। नहीं नहीं, कोई दौर नहीं होता इलेक्शन का, कोई दौर बुरा। 2019 में अकेले आप जीते थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई जीता ही नहीं और। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, पर इसमें वोटर का मूड है। वोटर चाहता है कि मैं किसी आजाद उम्मीद पर भी दाव लगा सकता हूँ, शायद ये हमारी पार्लियामेंट में जाके बात करे। इसमें कोई उतने बाई इलेक्शन को आप कभी भी सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल ना बोलो, ठीक है ना। संगरूर में लोगों ने जो प्यार दिया पार्टी के लिए, पहले मुझे 2 बार में मुझे जिताया, अब संगरूर की 9 के 9 एमएलए हमारे हैं, बठिंडा के 9 के 9 एमएलए हमारे हैं, पटियाला के 9 के 9 एमएलए हमारे हैं। अभी हम काम करेंगे, लोगों में जाएंगे, लोगों में जाकर जब उनकी बिजली के बिल माफ़ हो गए, जब उनको फ़ायदा होने लगा कि हाँ यार ये सरकार है, पिछली सरकार से तो मतलब बिजली भी नहीं आती थी, अब बिजली आती है, बिल नहीं आता, हमारे बच्चों को नौकरी मिलने लगी है, विकास के काम जब लोगों में पहुंचे, तो आप 2024 में देख लेना। ठीक है। तो आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, हर रोज़ मजबूत कर रही है, और आम आदमी पार्टी का काफिला हर रोज़ बढ़ रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि जो नफ़रत की राजनीति फैलाते हैं, ये समाज वो समाज, पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब के लोग आपस में बहुत भाईचारे से रहते हैं। पहले बहुत सी बम और AK-47 चली उस भाईचारे को तोड़ने के लिए, लेकिन ये नहीं टूटेगा, क्योंकि पंजाब के लोग देश को चलाते हैं। पंजाब ने आज़ादी लेके दी, 90% कुर्बानियाँ हैं, और उस आज़ादी को संभालने के लिए भी आज हमारे जो वीर जवान हैं वो सीना तान के खड़े हैं दोनों चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, अरुणाचल के बॉर्डर पर। सो पंजाब भी जो हैं देशभक्त हैं, देश को प्यार करने वाले हैं। मैं तो यही कहूँगा कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। बहुत खूब, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए हैं। अंत में, क्योंकि आप एक हास्य अभिनेता भी रहे हैं, हास्य कलाकार भी रहे हैं, कुछ हमारे दर्शकों के लिए आज कुछ कहना चाहेंगे, गुनगुनाना चाहेंगे? मतलब लोग भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कलाकार जिंदा है कि अंदर का? नहीं, कलाकार तो जिंदा है। असल में अगर मैंने पैसे कमाने होते तो मैं बॉलीवुड में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम था मेरा, लेकिन मैं ये सोच के इस लाइन में आया हूँ कि अगर किसी की ज़िंदगी में कोई बदलाव ला पाएँ, किसी के चूल्हे की आग बचा पाएँ, किसी भूखे के पेट में एक निवाला मेरे नाम का हो जाए, तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होगा। हाँ, बाकी रही बात इनकी, जो हमारी विपक्षी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस की बात सुन लो, कांग्रेस आधी अंदर है आधी बाहर चलेगी। चन्नी साहब कहाँ हैं? जो मुख्यमंत्री थे बाहर चले गए, जिसका भी नाम आता है बाहर चला जाता है। और अकाली दल क्या कहें अब, मतलब पंजाब के लोगों ने इतना बड़ा विश्वास किया, इतना बड़ा मैंडेट दिया, कि जो अपने आप को बाबा बोर्ड कहते थे, बहुत बड़े मतलब दिग्गज, उनकी जमानतें जब्त हो गई हैं। एक बटन दबाने से ही सिद्धू और मजीठिया हार गए, 12 महिलाओं को टिकटें दी, 12 की 12 जीत गई। तो आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है। हमें वो झाड़ू वाला कहते हैं, फिर वो कहते हैं झाड़ू तीला तीला हो गया, अगर हमारे एक दो इधर चले जाए ना, झाड़ू तीला तीला हो गया। लेकिन अब उनको बोलो कि जो हाथ पंजा है उसकी उंगलियाँ पूरी नहीं हैं, कोई किधर चला गया कोई किधर चला गया, और जो तकड़ी है उसकी एक रस्सी टूट जाए ना, वो तोलने से असमर्थ हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लोगों में रहो, पब्लिक बहुत बड़ी है, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम अपनी बातें हमारे समक्ष दर्शकों के तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।